नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी, जो जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में आईपा के मंच में मौजूद हैं पुष्पेंद्र जी। आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रगतिशील राजनीति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं? जी, ऐसा है कि प्रगतिशील राजनीति करने के लिए जन सरोकार के मुद्दों पर ही चुनाव होने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी लाभ लेने के लिए जिस तरह से समाज में विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है, वो देश की अखंडता एकता को अक्षुण्ण रखने के में जो है हानिकारक है। तो सामाजिक समरसता, समाज में एक समरसता होनी चाहिए, और जो इनके मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, और इन्हीं पर जो है काम करना चाहिए, जिससे कि जो है समाज को भी आगे बढ़ाया जा सके, और समाज जब आगे बढ़ेगा तो देश को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि जो विभाजन, किसी समाज को विभाजन करके देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब हम विभाजन करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, तो हम अपने लोग जो है अपनों से ही लड़ते हैं। तो जो ये कार्य है ये बहुत खतरनाक है, और जो है सच्ची राजनीति करने के लिए जन सरोकार के मुद्दों पर ही राजनीति होनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, 2022 का चुनाव है जी, 2022 के चुनाव को लेकर आप क्या देखें? तो तमाम तरीके की जो पार्टियाँ हैं वो लगातार जो सभी पार्टियाँ अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं, और सभी तमाम तरीके के जो वादे हैं, इरादे हैं, हर तरीके के जो मतदाता हैं उनको रिझाने का प्रयास करती, कितने वादे पूरे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अधिक कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई है तो अधिकतर वादे पूरे किए हैं, और भी तमाम चीज़ें जो मैनिफेस्टो में नहीं दी गई थी वो भी जो है उन्होंने लागू की। आप देखिए, हम यहाँ पर 30-32 साल से सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में। हम केंद्र की सत्ता में थे तो हमने सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आज जो अनाज बट रहा है 5 किलो, हमने भोजन का अधिकार दिया। तो ये जो थे, ये सामाजिक जो है सामाजिक मुद्दों पर राजनीति थी, तो ये सभी चीज़ें पूरी की गई थी। ऐसा नहीं, और बात है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो है वो कहते जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। क्या आज हम जान सकते हैं कि आज कौन सी डेमोक्रेसी है? आज तो कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। आज क्या होता है, पुलिस जो है जब फर्जी इनकाउंटर करती है, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर के केसेस जो है उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और मानवाधिकार आयोग द्वारा जो है सबसे ज़्यादा नोटिस यहाँ दी गई है। यहाँ एक मुख्यमंत्री, जिस देश का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ कर कहता हो, ठोको राजनीति की बात करता हो, तो वहाँ जो है कानून का शासन कैसे हो सकता है? क्या न्यायपालिकाएं ख़त्म कर दी जाए कि कोई भी किसी पर आरोप लगे उसको जो है गोली मार दी जाए? ये नहीं होना चाहिए। इससे जो है समाज में अराजकता फैलने की संभावना होती है। डेमोक्रेसी ये नहीं है। डेमोक्रेसी में जो है कुछ जो है स्थापित संस्थान है, उनके जो नियम कानून हैं उनके तहत उनको चलना होगा। तो अब आप देखिए उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। गोरखपुर में एक व्यवसायी को पुलिस वाले पीट पीट के मार देते हैं। आप अंकित तिवारी नाम था, जो आईटी में जॉब कर रहा था यहाँ लखनऊ में, उसको पुलिस वालों ने गोली मार दी। और तो और पुलिस वाले भी जो है बच नहीं रहे हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को जो है बुलंदशहर में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और बीजेपी ने क्या किया, जिसने हत्या की थी जब वो जमानत पर वापस आया तो इसी बीजेपी ने उसका स्वागत किया और उसको जो है पार्टी में शामिल किया। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है। 2022 का चुनाव है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिले के, कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं? कांग्रेस को जो है जनता के बीच जा रही है, और ये जो राजनीतिक विश्लेषक कुछ बता रहे हैं, कुछ खबरें चला रहे हैं कि जो है बाइपोलर इलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं है। बाइपोलर वो इसलिए बता रहे हैं कि एक जगह जाति की राजनीति हो रही है, दूसरी जगह धर्म की राजनीति हो रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि आपका बेस वोटर कौन सा है,
लेकिन ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है जागरूक है, वो अपने मुद्दों पर भी वोट करेगी। और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये उसके मुद्दे हैं। शिक्षा को लेकर आप देखिए, ये आपका जो यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है सीतापुर में, ये किसी समय जो है नंबर वन इंटर कॉलेज हुआ करता था, एडमिशन नहीं हो पाते थे इसमें। तो आज इसकी क्या हालत हो गई है, आज टीचर्स नहीं है। आपके सामने जो है आरएमपी डिग्री कॉलेज है, तो आरएमपी डिग्री कॉलेज में टीचर उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोला गया था, वहाँ भी टीचर उपलब्ध नहीं है। तो पढ़ेगा नहीं इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया कैसे? सीतापुर के आप रहने वाले हैं, सीतापुर की जो अगर प्रमुख समस्या देखी जाए तो क्या है? नहीं, मैंने बताया कि प्रमुख समस्या यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रमुख समस्याओं में आती हैं। शिक्षा की बदहाल स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ भी नहीं किया गया इस सरकार द्वारा। एक जिला अस्पताल है और एक महिला अस्पताल है, दो जो है वो कांग्रेस सरकार में ही बनाए गए थे। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया है। बताया जाता है कि जो प्राइवेट कॉलेज खुलते हैं उनको सरकार अपनी उपलब्धियाँ बताती है, जबकि वो सरकार की उपलब्धियों के कारण नहीं खुलते हैं। और जो हमारे पास थे शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी संस्थान थे, वो सब खत्म करने का काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज़ जो है, ये जो है आप देखिए कि यहाँ पे रोड में सरकार बनते ही सरकार द्वारा कहा गया था कि रोडों के गड्ढे भरे जाएंगे। आज भी आप कहीं भी निकल जाइए, सड़कों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों में ही सड़क समा गई है। पुष्पन जी, आईपा के मन से आपसे एक अंतिम सवाल है कि युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरी तरफ से मैसेज ये होगा कि आप इनके धर्म और जाति की राजनीति में न फंसे। आपके सामने सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी का। आप जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर ही आप अपना वोट करें और आप उसी बेरोजगारी के मुद्दे पर ही खड़े हों, तो जो है आपका भविष्य स्वर्णिम होगा। आप अगर इन सब चीज़ों में फंसेंगे, जाति और धर्म पर, तो आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ये थे हमारे साथ में आईपा के मंच पे पुष्पेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि धर्म और जात की राजनीति से दूर हटकर राजनीति होनी चाहिए, तभी देश का विकास संभव होगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।